नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। एमपी बोर्ड क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सभी बच्चों के लिए दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा अपडेट है। एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आप सभी के लिए जो क्वेश्चन बैंक है वो एमपी बोर्ड ने यहाँ पर जारी कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, आप दोस्तों चाहे तो आपके हर सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, जो आपके वीडियो लेसन्स हैं वो भी आपको एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको कैसे जो अपना क्वेश्चन बैंक है यानी कि दोस्तों जो आपका प्रश्न बैंक है वो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर डाउनलोड करना है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले गए आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड द्वारा बनाया गया पूरे चांसेस है कि दोस्तों जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे 10th क्लास के और 12th क्लास के उसमें दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। इसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप दोस्तों सीधे इस वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे। जैसे आप नीचे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा पठन पाठन सामग्री, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देखिए नीचे आपको एरो दिख रहा होगा, ये एरो दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा है अपनी कक्षा चुने, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना एरो, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ये, तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा क्लास 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास का आप स्टूडेंट हैं आप उस क्लास को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग दोस्तों 10th के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो देखे लिखा ना, देखे के ऊपर क्लिक करना। जैसे दोस्तों आप देखे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा। जैसे आपकी हिंदी की बुक खुल गई है, फिर आपकी मैथ्स की खुली हुई है, साइंस की खुली हुई है, देन सोशल साइंस की, इंग्लिश जनरल और संस्कृत जनरल है। तो दोस्तों, जिस भी विषय का आपको खोलना है तो यहाँ पे आप देखिए आपको जो YouTube का सिंबल दिख रहा है, एक तो ये वीडियो का सिंबल है, ठीक है, और जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना ये दोस्तों आपके बुक का PDF यहाँ से खुल जाएगा। दोस्तों, जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना आपको, इसमें आपका क्वेश्चन बैंक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स के ही कर लेते हैं, तो मैथ्स के ऊपर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है पहला जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है। इसका अगर आपको वीडियो लेसन देखना है यानी कि अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको ग्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन बैंक देखना है तो जो आपका ये ब्लू कलर से, तो दोस्तों ये आपको जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो जो आपके वीडियो लेसन है वो आपके सभी चैप्टर के नहीं डाले गए, बहुत जल्द आपके यहाँ पे सभी चैप्टर के अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन बैंक है यानी कि जो प्रश्न बैंक है वो भी आपके अभी सभी चैप्टर के नहीं डाले गए, लेकिन धीरे धीरे सभी क्लास के और सभी विषय के यहाँ पे एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर 6 जो कि आपका त्रिभुज है, अगर इसको आपको क्वेश्चन बैंक देखना है तो यहाँ पे दो आप यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ना ब्लू कलर, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन बैंक खुल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन बैंक खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए, तो आप सभी के लिए दोस्तों बेनिफिट है। यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, इस तरीके के ये PDF खुल जाएगा और इसको देख के दोस्तों जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं उन सभी की आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है या फिर इस तरीके के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो छूटने नहीं चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन है उस पर आप प्रेस कर दीजिए। उसी के बाजू में दोस्तों एक बेल का आइकन को आप जरूर दबाएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और अगर आपको दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन देखना तो यहाँ पे आप देखिए जो एक ग्रीन कलर से दिख रहा है यानी कि हरे कलर से दिख रहा है, आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए तो जो यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुल रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप ये वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेगा और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।